तो पिछली क्लास में हमने यहाँ तक देख लिया कि 16 सेल स्टेज आ गई थी, यस और नो। 8 छोटी माइक्रोमेयर और 8 बड़ी मेगामेयर या मैक्रोमेयर, उस स्ट्रक्चर को यहाँ बना लेते हैं। तो जो डायग्राम आपने कल ये वाला बनाया था, फर्स्ट क्लीवेज, सेकंड क्लीवेज एंड थर्ड क्लीवेज इन ऑल एंड फोर्थ क्लीवेज इन ऑल, माइक्रोमेयर्स और मेगामेयर्स का जो अरेंजमेंट है, वो एग्जैक्टली कैसा होता है ह्यूमन में, ये स्टेज हम नहीं बनाएंगे, बल्कि इसकी जगह क्या बनाएंगे, ऑब्लिक। स्टेज का नाम है मोरुला, बिकॉज इट इज मलबेरी लाइक, सो द नेम इज मोरुला। ज्यादातर एनिमल्स में क्या होता है, एम्ब्रियो की जो पहली स्टेज आती है उसको बोलते हैं ब्लास्टुला। क्या होता है? ब्लास्टुला। ये 11th क्लास की बात है एनिमल किंगडम की। ब्लास्टुला की पहचान ये होती है कि सारी की सारी सेल्स एक ही लेयर में अरेंज होती हैं। ये हो गई मेगामेयर, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हो गई माइक्रोमेयर्स। तो ये सब एक ही लेयर में अरेंज होती हैं और बीच में कैविटी होती है जिसका नाम है ब्लास्टोसील, और इस लेयर का नाम होता है ब्लास्टोडर्म। सेल्स आर अरेंज इन अ सिंगल लेयर। ये ब्लास्टुला है एनिमल्स में, बट हमारे यहाँ क्या हो रहा है ह्यूमन में, ब्लास्टुला की जगह क्या आया, मोरुला। 16 सेल स्टेज का नाम है मोरुला, और इसकी पहचान ये होती है कि एक सॉलिड है ये, यहाँ पर कोई कैविटी नहीं है ब्लास्टोसील जैसी। तो वो बना के देख लेते हैं हम, इसकी जगह क्या बनाने वाले हैं, मोरुला। और अभी तक सिर्फ फैलोपियन ट्यूब में ही है एम्ब्रियो, ये यूट्रस में नहीं पहुँचा है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 छोटी और 8 बड़ी सेल्स। ये हो गया सॉलिड स्ट्रक्चर जिसका नाम रख दिया मोरुला। 16 सेल स्टेज, छोटी सेल्स अंदर और बड़ी सेल बाहर। इसके बाद अगली स्टेज आती है जिसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसका साइज है 150 माइक्रोमीटर। कितना? ब्लास्टोसिस्ट। ये कैसा दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 and 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16। ये जो बड़ी वाली थी मेगामेयर, कौन, मेगामेयर्स, ये थी 8। अब इनसे 16 सेल की एक लेयर बन गई। इस लेयर का नाम हमारी बुक में लिखा है ट्रोफोब्लास्ट, और आप इसका नाम ट्रोफेक्टोडर्म भी याद कर सकते हैं। ट्रोफो माने ऑटोट्रॉफ, हिट्रोट्रॉफ, कितनी पुरानी बात आ गई है, नया कुछ नहीं है, सब पुराना चल रहा है। ऑटोट्रॉफ, हिट्रोट्रॉफ, ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफेक्टोडर्म। ट्रोफी मीन्स न्यूट्रिशन, TROPHY। बताओ ट्रॉफी मिलती है तो क्या होता है, खुशी होती है, एनर्जाइज होते हैं कि नहीं, वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो पीतल की हो, तांबे की हो, किसी भी चीज़ की हो, है ना, प्लास्टिक की हो, ट्रॉफी तो ट्रॉफी है, एनर्जाइज करती है हमको हमेशा, राइट। ऑटो ट्रॉफी, हिट्रो ट्रॉफी, ट्रॉफी मीन्स न्यूट्रिशन सॉर्ट ऑफ। अब वो चाहे साइकोलॉजिकल न्यूट्रिशन हो कि भाई आप फर्स्ट आए हैं, आपको ये ट्रॉफी मिल रही है, यस और नो। खैर, तो ट्रोफोब्लास्ट क्या करने वाली है ये पता चल जाएगा अभी हमें। इसके अंदर जो सेल्स होती हैं उनको कहते हैं प्रोजिनेटर सेल्स। बताना ज़रा इसका मीनिंग, ये बुक में नहीं है NCERT में मेंशन, बट हम बेस पकड़ करके चलें तो कभी भूलेंगे नहीं। प्रोजिनेटर सेल्स, ऐसी सेल्स जिनसे आगे चल करके कुछ बनेगा, प्रोजेनी, अगली जनरेशन आएगी सेल्स की, अगली जनरेशन आएगी सेल्स की। अब ये जो थी अंदर वाली माइक्रोमेयर्स, इन्होंने क्या करा, 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 मैं 8 भी बना सकता था। आप कहते सर आप बाकी 8 कहाँ गई, मैं बोलता पीछे हैं, फिर आप आगे देखते पीछे तो है नहीं। ये है बच्चों इनर सेल मास, इसको पकड़ के छोड़ना मत कभी भी जिंदगी में। यही है वो जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं इतने दिनों से कि एम्ब्रियो की स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करा दिया जाता है क्योंकि दे कैन गिव राइज टू ऑर्गन्स एंड टिश्यू। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपकी एनसीईआरटी बुक कह रही है। इस इनर सेल मास से हम बनेंगे कौन, इट विल गिव राइज टू एम्ब्रियो प्रॉपर। समझे कि नहीं, क्या मतलब हुआ? अरे ये भी तो एम्ब्रियो था सर, ब्लास्टोसिस्ट भी तो एम्ब्रियो था, ये क्या लिख दिया आपने एम्ब्रियो प्रॉपर? ये पूरा एम्ब्रियो ही तो है। मोरुला क्या है बच्चों? मोरुला इज एम्ब्रियो। ब्लास्टोसिस्ट क्या है? एम्ब्रियो। लेकिन एक्चुअली जिससे हम बनने वाले हैं वो इनर सेल मास है। इनर सेल मास गिव्स राइज टू एम्ब्रियो प्रॉपर, जिसमें आपको सर दिखेगा, नेक दिखेगी, चेस्ट दिखेगा, एब्डोमेन दिखेगा, दुम दिखेगी। होती है हमारे? बिल्कुल होगी भाई, क्यों नहीं होगी। हम कौन हैं? हम कॉर्डेट्स हैं। पेज नंबर 57 क्लास 11th एनसीईआरटी बुक, देखना जरा। वहां पर नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट का डिफरेंस दिया हुआ है, तो लिखा है कॉर्डेट में टेल होती है। पोस्ट एनल आउटग्रोथ, क्या मतलब? एनस के बाद एक आउटग्रोथ होगी जिसको बोलते हैं टेल। डेफिनेशन ऑफ टेल, दुम की क्या परिभाषा है? वो हर वक्त पीछे लगी रहती है। नहीं समझे? यस और नो? और आप कहते भी हैं उनसे, अपने छोटों से, हमारी दुम के पीछे लगे हो, कहते नहीं है? इट मीन्स यू हैव अ टेल। हमारी दुम के पीछे मत लगो, दैट मीन्स यू हैव अ टेल। तो टेल है इसीलिए तो बोल रहे हैं। क्या लिखा है वहां पर? लाइफ के किसी ना किसी इवेंट में टेल जरूर होगी। लाइफ के किसी ना किसी इवेंट में ये भी होंगे। अब आप कहेंगे हमारे तो नहीं, ये तो फिश के होते हैं, गिल्स। हर कॉर्डेट का फीचर है। ये बात 11th में बताई गई थी, चैप्टर 4 में पेज 57 पर जब हम थे। डू यू हैव दैट पेज विद यू? पेज 57 पर टेबल नंबर, ओ सॉरी 55 नॉट 57, पेज नंबर 55 है बच्चों, जिस पर टेबल नंबर है 4.1, जहां पर नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट का डिफरेंस दिया हुआ है। तो कॉर्डेट में लिखा है कि उसके फेरिंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। ये है फेरिंग्स, गला हमारा, यहाँ से कटा हुआ होगा, यहाँ से कटा हुआ होगा, देख लेना विजुअल में, भूलना मत। जब यूट्रस के अंदर ये डेवलपमेंट देखेंगे आप ब्लास्टोसिस्ट का, तो आपको फेरिंजियल गिल स्लिट्स दिखाई देंगे, बाद में खत्म हो जाते हैं। हर कॉर्डेट की लाइफ साइकिल में कभी ना कभी टेल होगी, कभी ना कभी फेरिंजियल गिल स्लिट्स होंगे। हमारी टेल पहले दिखेगी आपको, हाथ पैर बाद में निकलेंगे, टेल धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके रेमिनेंट्स हैं हमारी बॉडी में आज भी, जिनका नाम है सैक्रम और कॉक्सिस, वर्टिब्रल कॉलम का जो लास्ट पार्ट है। अगर आप उसे देखेंगे मूवमेंट एंड लोकोमोशन में, जैसे ये स्केलेटल सिस्टम के अंदर, तो आप देखेंगे कॉक्सीजियल बोन जो है वो बिल्कुल टेल की तरह है, उसमें दुम निकली हुई है। गो थ्रू दैट, देखिए उसको मूवमेंट एंड लोकोमोशन में, कॉक्सीजियल बोन देना भाई। पेज नंबर 310 पे है ये कॉक्सिस टेल, ठीक है। और ये रही वो टेबल पेज 55 पे, जहां पर आपको पता चलता है, ये रही, कि कॉर्डेट्स में फेरिंजियल गिल स्लिट्स होंगे और पोस्ट एनल आउटग्रोथ होगी जिसे टेल बोलते हैं। तो अभी बात क्या हो रही थी कि एग्जैक्टली जिससे इंडिविजुअल बनता है वो ये है, ये। तो इसका क्या होगा? एम्ब्रियो प्रॉपर का मतलब, अब एम्ब्रियो के अंदर छोटे छोटे ऑर्गन बनने शुरू होंगे, वो फीटस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये जो स्टेज है ब्लास्टोसिस्ट it is implanted into the uterus of the mother. कौन सी stage? Blastocyst. It is implanted into the uterus of the mother. ये इतनी बातें इसके बारे में हमें जाननी है, सबसे खास स्टेज है ये। और फिर क्या होगा जब ये पहुंचेगा कहाँ? यूट्रस में। तो आप क्या देखेंगे विजुअल में, समथिंग अनयूजुअल हैपेंड। याद आ गई कल की बात? तो इसी की सेल्स अलग हो जाती हैं, दो दो इंडिविजुअल बन जाते हैं, तीन बन जाते हैं, चार बन जाते हैं, लाइक दैट। ये है वो स्टेज। ये जो है ना ये वाली लेयर ट्रोफोब्लास्ट, ये जा करके एंडोमेट्रियम से चिपक जाएगी और एंडोमेट्रियम बढ़ने लगेगा और इसको चारों तरफ से सराउंड कर लेगा। यूट्रीन टिश्यू सराउंड्स दिस। ये किसके साथ जुड़ेगी? यूट्रस की इनर लाइनिंग के साथ, उस पर अटैच हो जाएगी। बुक में लिखा है, साफ मार्क करिए भाई, मार्क तो करिए। इट्स ऑन पेज नंबर 53, फर्स्ट पैराग्राफ। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर then gets attached to endometrium and the inner cell mass gets differentiated into, आप समझ गए? तो इससे एम्ब्रियो बनेगा, आगे का जो इंडिविजुअल है वो इनर सेल मास से बनेगा। देखिए डिवीजन ऑफ लेबर हो गई। तो आप कहेंगे नहीं सर हम कैसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर हो गई, हमें ये तो पता ही नहीं कि ट्रोफोब्लास्ट का क्या होगा। ये अटैच तो होगा यूट्रस से, बट what it is going to do, तो मैं बताऊंगा। इट फॉर्म्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। कुछ समझे? ट्रोफोब्लास्ट से बनती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, जिसके बारे में थ्योरी में शायद ही हमें अपनी बुक में कुछ मिले, बट वी मस्ट नो अबाउट इट। डिवीजन ऑफ लेबर जब पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ेंगे, ठीक? क्या करेगा ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का मतलब समझ लीजिए कि जो प्लासेंटा होता है वो मदर के यूट्रस से जुड़ा होता है और उसी के थ्रू न्यूट्रिएंट्स आते हैं। तो प्लासेंटा का फॉर्मेशन इसी से होगा, इसीलिए इसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट। न्यूट्रिएंट्स का पैसेज इसी के थ्रू होगा। इससे क्या बनने वाली हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। इनकी कोई सीक्वेंस नहीं बना सकते हम कि सबसे अंदर कौन सी है, सबसे बाहर कौन सी है। सबका लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सिंपल डायग्राम से, डोंट वरी अबाउट इट। तो आप उसमें ये नहीं बता पाएंगे कि सबसे अंदर कौन है, सबसे बाहर कौन है, लेकिन हम इनकी गिनती कर लेते हैं। नंबर 1 एमनियन, नंबर 2 कोरियन। कैसे पढ़ेंगे इसे? कोरियन, ठीक है। नंबर 3 allantois एंड नंबर 4 yolk sac. What are these? Extra embryonic membranes. तो अभी हम क्या करने वाले हैं बच्चों, इससे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का बनना और इनर सेल मास से एम्ब्रियो का बनना, ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलेगा। हम क्या करेंगे कि हम ब्लास्टोसिस्ट को यहाँ रख के इनर सेल मास इधर उतार लेंगे और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इधर उतार लेंगे। साथ साथ होना है ना ये काम, ऐसा नहीं होगा कि पहले ये बन जाएंगी फिर ये बन जाएगा। साइमल्टेनियस वर्क हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। तो आप उसी तरीके से इसको सीखिए भी और समझिए भी, इतना काम करिए पहले। इस स्ट्रक्चर को बनाने में कोशिश करिएगा कि सेल्स के बीच में गैप ना रहे। सॉलिड है ये, मलबरी लाइक। तो हमारी जो बॉडी बनती है बच्चों वो इनर सेल मास से बनती है, ट्रोफोब्लास्ट से नहीं बनती। ट्रोफोब्लास्ट से क्या बनती हैं? हमारे आसपास जो मेम्ब्रेन होती हैं जब हम एम्ब्रियो होते हैं वो बनती हैं, उनका नाम है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। तो मोरूला तक का इस जो पार्ट है वो कहाँ पे हुआ? यहाँ तक का पार्ट कहाँ पे हुआ? फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, और इसके आगे का ये पार्ट यूट्रस में इम्प्लांट हो गया, है ना। हमारी जब बर्थ होती है तो बर्थ के टाइम पर ऑन एन एवरेज हमारी जो लेंथ होती है, जिसे हम हाइट कह सकते हैं, वो कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। बर्थ के टाइम पर हम 50 सेंटीमीटर के होते हैं, राइट। और फिर हमारी हाइट कब तक बढ़ती रहती है? 22 टू 23 इयर्स। उसके बाद ये मत कहना रुक जाती है, हाइट रुक गई, कहते हैं हाइट रुक गई अब नहीं बढ़ रही। आप ये बोलिए अब हाइट स्टेबल हो गई, अब उसी हाइट पे हम चल रहे हैं। अगर रुक गए तो ख़त्म, तो रुकते थोड़ी हैं, उसी हाइट पर हम चल रहे हैं। तो बर्थ के बाद 20, 22, 23 साल तक हमारी हाइट कहाँ तक पहुँच जाती है? से 170 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो ज़रा, दिस इज व्हाट यू कॉल एज ग्रोथ। हाँ या ना? हम बर्थ के टाइम पे कितने थे? 50 सेंटीमीटर के थे बस। पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं आप लोग। सामने इतनी अच्छी बात दिखाई जा रही है आपको, रखी हुई है, और 20-22 साल की उम्र तक जाकर के हम 165-170 सेंटीमीटर के पहुंच गए, है ना। लगभग 120 सेंटीमीटर बढ़ गए हम 20 साल में। यस और नो? दुगने तिगने हो गए, तीन गुना हो गए कि नहीं? 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के हो गए, तो तीन गुना हो गए। लगे पड़े हैं कॉपीज खोलने में, लिखने में, नोट करने में। क्यों? ये वो बात है जो कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तो हमारी ग्रोथ हो रही है, तीन गुना हो रही है, हाँ या ना? कितने टाइम में? थोड़े से टाइम में, 20 इयर्स। अगर लाइफ 60 साल की है तो 20 साल उसके मुकाबले में 1/3 है। तो इनिशियल ग्रोथ फेज हमारी हो रही है वेजिटेटिव फेज, प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज, और हमारे में जुवेनाइल फेज, है ना। बट ज़रा ये देखिए कि 150 माइक्रोमीटर से 50 सेंटीमीटर के हम सिर्फ 9 मंथ्स में हो जाते हैं। कौन सी वाली एक्चुअल ग्रोथ है? ये भी आपके सामने लिखा हुआ है, 38 वीक्स। ये 1000 गुना बढ़ गए हम, हज़ारों गुना, 1000 गुना नहीं लगाना ज़रा हिसाब। 150 माइक्रोमीटर और 50 सेंटीमीटर में कितना फैक्टर आ रहा है निकल के? 150 माइक्रोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, कितना है? 10⁻⁶ ये हो जाएगा, और 10⁻²। सेंटी माने 100, है ना, सेंटीमीटर 100 हो गया ना। दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लो, पता चल जाएगा एक्चुअल ग्रोथ किसे कहते हैं, 38 वीक वाली या 20-22 साल वाली। इसलिए डॉक्टर्स हाथ जोड़ते हैं पेरेंट्स के आगे कि लेट द टाइम गेट कंप्लीटेड। और जो बिजी लोग हैं ना, कामकाजी लोग, दे वांट टू गेट रिड ऑफ द गैस्टेशन एज सून एज पॉसिबल। काम पे जाना है भाई, जल्दी सिजेरियन कराओ, हफ्ता 10 दिन में ठीक हो, चलो अपने काम पे, बिजनेस संभालना है। अब तो वुमेन्स भी बहुत सारी वर्किंग हैं, यस और नो। और डॉक्टर कह रहे हैं नहीं भैया, मान जाओ मान जाओ मान जाओ। वो सुनते ही नहीं है कि पता नहीं अभी और दवाएं चलाएंगे। दवाएं चलाने के बाद तो डॉक्टर का फ़ायदा हो रहा है, यस और नो। रीज़न यही है। क्या है रीज़न? समझ लो बच्चों आप लोग अच्छी तरह से, जब कभी भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जगह बदली जाती है तो वो झटका खाती है। नहीं समझे? आप जब 12th के बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे, कॉलेज में पढ़ने जाएंगे, हॉस्टल में रहेंगे, और 2-3 महीने बाद घर आएंगे, तो मम्मी पापा यही कहेंगे मेरा बच्चा कितना कमजोर हो गया। यस इट हैपन्स। आप पेड़ को निकाल करके दूसरी जगह लगाइए, सारे पत्ते गिर जाएंगे, फिर नए पत्ते अगले साल आएंगे। झटका खाती है हर चीज़, हर लिविंग बीइंग अपनी हैबिटेट को। आप दूसरी जगह से कोई पेट ले आइए, 2-3 दिन तक खाना नहीं खाएगा अपनों से दूर होके, आप भी नहीं खाएंगे अपनों से दूर होके खाना, मन नहीं लग रहा है, खाना नहीं खा रहे हैं, घर की याद आ रही है, सबको आती है। तो आपने जब मदर से फीटस को डिटैच किया तो जो ग्रोथ मदर की बॉडी में 1 हफ्ते में होती वो बाहर आके 1 महीने में नहीं होगी। समझ रहे हैं आप? दिस इज द डिफरेंस। तो हर चीज़ झटका खाती है, लिविंग बीइंग झटका खाता है, आप अगर उसे उसकी हैबिटेट से दूर ले जाएं तो। लोग लेकर के आते हैं एनिमल्स पालने का, अब किसी ने बकरा पाल लिया ला करके, अब वो खा ही नहीं रहा है 2-3 दिन तक, अरे यार अब क्या करें, करते हैं पेट ले आते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, छोटे से छोटा लाते हैं बेबी की फॉर्म में, उसे होश नहीं होता है कि मैं अपने पेरेंट्स से डिटैच हो गया, तो वो आसानी से धीरे धीरे मेकअप कर लेता है। तो जितना छोटा होगा उतना आसान होगा, जितना बड़ा होगा उतनी प्रॉब्लम होगी। समझ रहे? तो 37 वीक्स का मतलब ये नहीं कि उसमें यू कैन गेट रिड ऑफ दैट फीटस। आपको कहाँ जाना है, पूरा टाइम कंप्लीट होना है, जिससे क्या होगा, बेस्ट ग्रोथ होगी। कन्वर्जन फैक्टर अगर आप निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि ये हज़ारों में जा रहा है। यस और नो? थाउजेंड्स ऑफ टाइम ग्रोथ हो रही है विद इन 9 months एंड दिस इज द एक्चुअल ग्रोथ। अब एक क्वेश्चन का आंसर वैसे आपसे पूछना नहीं चाहिए, आप कहेंगे क्या बेवकूफ़ी के सवाल पूछ रहे हैं सर, हमें बिल्कुल ही डब्बा समझते हैं, खाली डब्बा। इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट, इन दोनों की सेल्स की जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम होगी? दे आर जेनेटिकली अलाइक और डिफरेंट? बिकॉज दे अराइज फ्रॉम द सिंगल सेल जाइगोट, कॉमन जाइगोट से आई हैं। तो जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन सेल्स की है वही जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन सेल्स की है। जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इसकी होगी वो इसकी होगी, वो इसकी होगी, वो इसकी होगी। यस और नो? और इसकी जैसी होंगी और इसके जैसी होंगी, सब एक जैसी होंगी आपस में। अब देखो क्या होने वाला है, इसको आप चाहें तो सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। रब कर दूं? यू हैव डन दिस। Let me know when you finish. तो आपने बुक में एक लाइन आगे की क्यों नहीं पढ़ी? जब आपको ये बताया गया कि ट्रोफेक्टोडर्म इट गेट्स अटैच टू यूट्रस एंडोमेट्रियम, जरा इनर सेल मास के बारे में तो पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इनर सेल मास से एम्ब्रियो प्रॉपर बनेगा, ट्रोफोब्लास्ट will give rise to extra embryonic membrane। ठीक है, मैं जो बोलूँ उसे ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। जरा सा आप इधर से उधर कर दें, है ना, एक डॉट ऊपर से नीचे लग जाए तो गड़बड़ हो जाती है। तो बुक में जरा देखना इनर सेल मास के बारे में क्या लिखा है नीचे, वही वाला पैराग्राफ जो आप पढ़ रहे थे अभी, उसी को दोबारा देखिए नीचे। द after attachment the uterine cells divide rapidly and covers, ये मैंने बता दिया कि यूट्रस पूरा ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेगा, एंडोमेट्रियम बड़ा होता चला जा रहा है। फिर as a result the blastocyst is embedded in the endometrium of the uterus। ठीक है, this is called implantation and this and that, ये सब हो गया। ये लिखा है यहाँ पर जी, एक्चुअली आपकी बुक में बिल्कुल एंड में है, पेज 54 के फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में, नया एडिशन है ये, पढ़ना। इट नीड्स टू बी मेंशन्ड, क्या कह रहे हैं? हाँ, कि बच्चे इस बात को भूल ना जाएं, बच्चे इस बात को अच्छे से समझ लें। जरा पढ़िए तो, इट नीड्स टू बी मेंशन्ड that the inner cell mass contains certain cells called stem cells, फिर आगे which have the potency to give rise to all the tissue and organ। तो इसी को प्रिजर्व कराने के लिए लोग ठेका दे रहे हैं जिनके पास बहुत पैसा है कि 20 साल के लिए प्रिजर्व करा दो हमारे बच्चे को, अगर ज़रूरत पड़ी किसी ऑर्गन की, टिश्यू की, तो उसकी स्टेम सेल प्रिजर्व है। ये चल रहा है अभी मेडिकल साइंस में, और यहाँ तो नहीं, छोटा शहर है, बड़े शहरों में हो रहा है। ठीक है भाई, चलो तो इसकी बात बाद में करेंगे। इनर सेल मास से एम्ब्रियो प्रॉपर बन रहा है, ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, ये नहीं कि पहले ये करूँ तो ये पहले होगा ये बाद में होगा, समझ रहे हैं ना। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में सबसे पहला नाम आया एमनियन का, उसके बाद आया कोरियन, उसके बाद आया एलेंटॉइस, और फिर आया यॉक सेक। ठीक है भाई, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लिख देते हैं, सिंस ह्यूमन एग इज डिवॉइड ऑफ यॉक, कॉमा, सिंस ह्यूमन एग इज डिवॉइड ऑफ यॉक, यॉक सेक डीजनरेट्स। ठीक है, शुरू शुरू में दिखेगी, बाद में खत्म हो जाएगी। अभी जो बोल रहा हूं उसे सुन लो ध्यान से। कोरियन और एलेंटॉइस मिलकर के प्लासेंटा बनाने में पार्टिसिपेट करती हैं। नहीं समझे, ये बहुत बड़ी बहस है और नीट में बच्चे मार्क्स लूज कर देते हैं इस बात पे। मैंने क्या बोला? कोरियन और एलेंटॉइस मिलकर के participates in the formation of placenta। क्या इसका यह मतलब हुआ कि placenta कोरियन और एलेंटॉइस से ही बना होता है? अब समझ गए आप बात क्यों इस बात पे स्ट्रेस दे रहा हूँ मैं, क्योंकि बच्चे ये कहते हैं और जगह जगह लिखा हुआ भी मिलता है, हम क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं कभी, तो आपको क्लियरली बुक्स में ये लिखा हुआ मिलेगा और गलत नहीं है ये, क्या ह्यूमन प्लेसेंटा इज कोरियो एलेंटॉइक। आप बोलो बिल्कुल सही है ये, बुक्स में लिखा होता है ह्यूमन प्लेसेंटा इज कोरियो एलेंटॉइक। मैं तो आपसे ये बात कर रहा हूँ कि मार्क्स उस पर मिलेंगे जो एनसीईआरटी में लिखा है। अगर एनसीईआरटी से डिफरेंट होकर के आपने अपने थोड़े से स्टाइल मारे या मैंने मारे तो मेरे बच्चे मार्क्स लूज कर देंगे, हाँ या ना। हमारी बुक ये कह रही है कोरियन और एलेंटॉइस ये किसका हिस्सा है, जाइगोट से है ना, एम्ब्रियो का पार्ट है, ये एम्ब्रियो का ही तो नाम है। इसी एम्ब्रियो की ये सेल्स अब इंडिविजुअल बनाएंगी और बाकी एम्ब्रियो की जो मेम्ब्रेन है वो ये बनाएगी, ये एम्ब्रियो का ही तो पार्ट है। तो प्लासेंटा अगर हम ये बोलें कि ये फीटल टिश्यू है खाली, तो ये सही नहीं होगा, अल्टीमेटली इससे फीटस बनेगा। अब हमने क्या पढ़ लिया भाई, कोरियन और एलेंटॉइस प्लासेंटा बना रहे हैं, तो हम कह देंगे प्लासेंटा फीटल टिश्यू है। लेकिन बुक हमारी ये कह रही है कि ये जो कोरियन है इसमें उंगलियां बनती हैं ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनका नाम है कोरियोनिक विलाई। क्या नाम है, कोरियोनिक विलाई। और हमने ये देखा था कि एंडोमेट्रियम में ऐसे सफ़ेद रास्ते थे, याद आ गया, इन सफ़ेद रास्तों में ये कोरियोनिक विलाई जाना शुरू कर देते हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर समझते हो, पहले 3 महीने, उसमें अगर फीटस को कोई दिक्कत है, जो मदर और फीटस दोनों की जान को खतरा है, तो एबॉर्शन के लिए जा सकते हैं, इंड्यूस एबॉर्शन आसान हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा, मैटरनल और फीटल टिश्यू इंटीमेट होते चले जाएंगे। मैंने बोला था पेड़ की जड़ें गहरी होती चली जाएंगी, फिर उखाड़ोगे तो जड़ें टूट जाएंगी, क्योंकि बुक हमारी साफ लिख रही है कि प्लासेंटा दोनों मिलके बनाएंगे। पढ़ लो और उस लाइन को मार्क कर लीजिए। नीट में आता है ये, हर बार आता है, बोर्ड में हर बार आता है, बच्चे गलत करके आते हैं कि प्लासेंटा खाली कोरियन और एलेंटॉइस से बना हुआ है, कुछ तो खाली कोरियोनिक विलाई के नाम से लिख देते हैं, प्लासेंटा कोरियन से बनता है। तो कोरियो एलेंटॉइक है, साथ में मैटरनल टिश्यू के साथ वो इंटीमेट होगा, तब उसका नाम प्लासेंटा है। पढ़िए बुक में लाइन है, एग्जैक्ट लाइन है। क्या है भाई, शुरू से पढ़ते हैं ज़रा। कोरियोनिक विलाई एंड द यूट्रीन टिश्यू, यानी कि यूट्रस का टिश्यू, यानी कि एंडोमेट्रियम बिकम्स, ये देखो इंटरडिजिटेशन हो गया, ये पहले बता रखा है, ऑल राइट, विद ईच अदर एंड ज्वाइंटली फॉर्म। ब्लॉक में बना दो इसे, ज्वाइंटली फॉर्म को, साफ लिख रही है बुक हमारी, ज्वाइंटली फॉर्म। अकेले फीटल टिश्यू का नाम प्लासेंटा नहीं होगा बच्चों, प्लासेंटा में कोरियन और एलेंटॉइस पार्टिसिपेट करते हैं, तभी तो लिखा है ना। बुक का मीनिंग हमको वर्कआउट करना है, और खाली अगर हमने बोल दिया इवन द टीचर इज सेइंग कि बच्चों प्लासेंटा फीटल टिश्यू है, मानना मत बोर्ड में और नीट में, सिर्फ टीचर को खुश करने के लिए या खुश करने के लिए बोल देना, यस यू आर राइट सर, यू आर राइट मैम, बट यू हैव टू राइट व्हाट इज रिटन इन द एनसीईआरटी बुक। ठीक है, ऑल राइट। सो व्हाट इट सेज, ज्वाइंटली फॉर्म्स ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द मैटरनल बॉडी, और उसका नाम है प्लेसेंटा। आई बात समझ में, ज्वाइंटली फॉर्म हुआ ये मदर के टिश्यू और फीटस के टिश्यू से मिलकर के, और उसमें कोरियन एलेंटॉइस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कोरियो एलेंटॉइक है वो। ठीक है, एक बात और समझो अब, ये है एंडोमेट्रियम, इसमें ये बीच बीच में रास्ते हैं सफ़ेद, और ये बड़ा सा मास बन गया एंडोमेट्रियम, वो पेज 50 पे डायग्राम है। एंडोमेट्रियम में जो काली काले पेड़ बने हुए हैं पतझड़ वाले, वो क्या थे, डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, हाँ या ना। यानी कि एंडोमेट्रियम खूनी टिश्यू है, खून में लथपथ है, नहीं समझ रहे बात, इट इज रिचली वेस्कुलराइज्ड, उसमें बहुत ब्लड वेसल्स हैं, हाँ या ना। उस टिश्यू को ये विलाई पेनिट्रेट कर रही हैं, यानी कि भेद रही हैं। तो हम एक बात और बोलते हैं, ह्यूमन प्लासेंटा इज देखना जरा बच्चों क्या मतलब हुआ। हीमो माने ब्लड और कोरियल माने, ये एक ही वर्ड है, डैश मत लगाना बीच में। ह्यूमन प्लासेंटा इज हीमोकोरियल, ब्लड को भेदने वाला, क्योंकि प्लासेंटा की जो विलाई थी कोरियोनिक विलाई को प्लासेंटल विलाई भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ जा रही हैं? ये पेनिट्रेट कर रही हैं एंडोमेट्रियम में, जिससे कि कम्युनिकेशन बन सके फीटस और मदर के बीच में। अभी प्लासेंटा के बाद एक चीज और आएगी, अम्बिलिकल कॉर्ड, फिर आएगा फीटस। क्या है? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है एंडोमेट्रियम। के साथ जुड़ा हुआ है कोरियन और एलेंटवाइज से बना हुआ प्लासेंटा, फिर इसके बाद है अम्बिलिकल कॉर्ड और फिर इसके बाद है फीटस। तो हम क्या बोलते हैं? प्लासेंटा कनेक्ट्स द मदर टू द फीटस। सही है? हैं? टू कनेक्ट द फीटस टू द प्लासेंटा। यहां से यहां आएगा, यहां से इस पे थ्रू इसमें जाएगा। ये जो हमारा बेली पिट है ना, टूंडी जिसे बोलते हैं बेली पिट, ये अम्बिलिकल कॉर्ड थी यहाँ पे। ठीक है, क्या थी? अम्बिलिकल कॉर्ड। तुम लोग भी क्या याद रखोगे? सुनो, आप दो लोग बातें कर रहे थे। इफ यू आर ए ट्रू बिलीवर, अगर आप मानते हैं कि सबका मालिक एक है, ऊपर वाला है, तो आपको ये स्टोरी समझ में आएगी, वरना आपको समझ में नहीं आएगी। मतलब बात को समझने के लिए हमें इस लायक होना पड़ता है। समझे भाई मनप? दो लोग बातें कर रहे थे तो कह रहे थे कि यार देयर इज लाइफ आफ्टर बर्थ। अच्छा, बर्थ होगी? समझ गया कौन थे वो? कौन थे जो बातें कर रहे थे? आइडेंटिकल ट्विंस। समझ गए आप? आइडेंटिकल ट्विंस बातें कर रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, तुझे पता है कि यहाँ से निकलने के बाद एक दुनिया है जिसमें हमें जाना है। अरे बोले, पागल है क्या, यही दुनिया हमारी। बोले नहीं यार, कोई है जो हमें रोज़ हमसे बातें करता है, हमें देखता है, उसका नाम माँ है। वो हमारी हर बात सुनती है, हमारी हर फीलिंग को समझती है। बोले पागल है तू, दुनिया यही है, बस यहीं रहना है। बोले नहीं, इसके बाहर दुनिया है, वहाँ हम हाथ पैरों से चलेंगे और मुंह से खाएंगे। तो वो बोला पागल हो रहा है क्या, मुंह से कोई खाता है? ये है ना अम्बिलिकल कॉर्ड, इससे खाते हैं हम। तो वो दूसरा यकीन ही नहीं कर रहा था दैट देयर इज लाइफ आफ्टर बर्थ। आप उन्हें क्या बोलेंगे? फूल, है ना? अब अगर आपसे कोई कहे देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, व्हाट विल यू थिंक? टेल मी। पागल ही समझेंगे लोग, जैसे वो दोनों, है ना, कहते यार हम इस दुनिया जो हम इस कमरे में या इस पानी में जो तैर रहे हैं दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड, इसके बाहर जब जाएंगे तो हमारे जो सबसे करीब होगी वो हमारी माँ होगी, जो अब भी हमारे सबसे करीब है, द अलमाइटी, जिसकी बात अब हम करते हैं कि वो हमें देखता है, सुनता है। हम ये मानते ही नहीं है, वी डोंट बिलीव, दिल से नहीं मानते और गलत गलत काम कर जाते हैं। लोग कहते तो हैं कि नहीं ऊपर वाला देख रहा है, बट डू वी रियली स्केयर्ड और डू वी रियली लव द अलमाइटी? एट टाइम्स वी फॉरगेट, अपना काम कर जाते हैं। तो हम कहते हैं कि हम ट्रू बिलीवर हैं, आर वी? या तो उन दोनों की बात गलत थी, देयर इज नो लाइफ आफ्टर बर्थ, वो जो आइडेंटिकल ट्विंस आपस में बातें कर रहे थे, देयर इज नो लाइफ आफ्टर बर्थ। अबे यही है सब जो कुछ होना है, मुंह से कोई नहीं खाता, हाथ पैरों से कोई नहीं चलता, हमें इसी पानी में तैरना है पूरी जिंदगी भर। तो आपको लग रहा होगा कि वो लोग बेवकूफ़ हैं जो ऐसी बातें करते हैं। नहीं, तो वो कौन है जो ऐसी बातें करते हैं? देयर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ। ऐसी भी तो बातें लोग करते हैं, जो कुछ है यही करना है, यही स्वर्ग है, यही नर्क है। तो फिर उनके या तो देखिए, या तो वो भी सही है तो हम भी सही हैं। वी शुड लर्न फ्रॉम द फैक्ट्स। या तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाना चाहिए, देयर इज नो लाइफ आफ्टर बर्थ, है ना, जिंदगी बस वही है, एमनियोटिक फ्लूइड में तैरते रहना है ना, हाथ पैरों से नहीं चलना है, मुंह से नहीं खाना है, भूल जाइए। लेकिन आप कह रहे नहीं हम तो रियलिटी में है, हमें तो याद भी नहीं वो वाली लाइफ। बोलो डू यू रिमेम्बर अम्बिलिकल कॉर्ड से खाना? ऑल राइट, समझ में आया कुछ? राइट अच्छे इंसान बनो, सबसे पहले अच्छे इंसान बनो। दुनिया में क्यों आए हैं? खाने आए सर? नहीं, क्यों आए? खाने आए। सो दिस इज योर टेस्ट, योर लाइफ इज योर टेस्ट। किसी भी डॉक्टर से जब ये बात करो कि यार एटलीस्ट 2 मरीज तो फ्री में देख लिया करो रोजाना, मुंह बना लेते हैं, बुरा मान जाते हैं, फोन उठाना बंद कर देते हैं। अभी आप लोग भी कहेंगे हाँ सर हम देखेंगे जब डॉक्टर बन जाएंगे, आपकी बात हम पक्का रखेंगे, बट विद टाइम यू विल चेंज। सर पहले डॉक्टर तो बन जाएं, बाद में देखेंगे, फ्री में देखना है कि पैसे लेने हैं? रह गया कौन बच्चों? एमनियन। एमनियन से सिक्रीट होता है एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है बच्चों, एमनियोटिक फ्लूइड तक पहुंचा जा सकता है निडल से विदाउट हार्मिंग दिस, क्योंकि ये अंदर है, इसके बाहर एमनियोटिक फ्लूइड है। और एमनियोटिक फ्लूइड में जो सेल्स हैं उनकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इसके जैसी होगी, सेम या नहीं? उनको एनालाइज करके ये पता चल जाता है कि फीटस में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं होने वाली है, क्योंकि जो सेल्स इसकी हैं वही सेल्स इसकी हैं। वो टेक्निक बनी जिसका नाम रखा गया एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस। बट हमारी बुक ये कह रही है, चैप्टर 4 में 2 बार बुक ने कहा है कि ये फीटस के सेक्स डिटर्मिनेशन की टेक्निक है। वो ये नहीं कह रही कि फीटस में कोई एबनॉर्मेलिटी है, उसे चेक करने के लिए टेक्निक बनाई गई थी। समझ रहे हैं एक्चुअली किस लिए है? कि फीटस में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है जिसकी वजह से फीटस और मदर दोनों को आगे चलकर खतरा हो जाएगा, तो इसीलिए शुरुआत में ही इंड्यूस एबॉर्शन कर दिया जाए अगर फीटस एबनॉर्मल है तो, जिससे मदर और फीटस दोनों को नुकसान ना हो। इसलिए बनी थी ये कि इस फ्लूइड की सेल्स को टेस्ट कर लो तो पता चल जाएगा। लेकिन हमारी बुक क्या कह रही है कि ये फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक है। अब सवाल ये उठता है कि हमें मार्क्स काहे से मिलेंगे? जो बुक में लिखा है उसे लिख करके, जैसा बुक में है वैसा ही लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज कोई एबनॉर्मेलिटी है वो पता चल जाती है। ये एमनियोटिक फ्लूइड का काम क्या है? इसमें फीटस शॉक से, जर्क से बचेगा। एब्रेजन जानते हो? एब्रेजन रगड़ लगना, एब्रेजन, इससे बचेगा। ठीक है, तो इस फ्लूइड का होना बहुत जरूरी है, यानी कि मदर की केयर बहुत जरूरी है। मदर शुड बी इक्विप्ड विद न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस डाइट एंड फ्लूडी लिक्विड डाइट, ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि एमनियोटिक फ्लूइड के फॉर्मेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अल्टीमेटली शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है, बायंसी दे रहा है, एब्रेजन से बचा रहा है एमनियोटिक फ्लूइड, और इसकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चेक करके पता चल जाता है। तो मिसयूज होने लगा इसका फीमेल फीटीसाइड में। फीटीसाइड भ्रूण हत्या, जगह जगह लिखा होता है भ्रूण हत्या एक कानूनी अपराध है। यस और नो? फीटीसाइड, फीटस को खत्म कर देना यूट्रस में। एक स्टोरी पढ़ी है आप लोगों ने, नॉवेल है, बताना जरा ये क्या है। इसे पढ़ते पढ़ते रोने लगोगे चाहे कितने मजबूत दिल वाले हो। अभी नहीं बताऊंगा इसके बारे में, चैप्टर 4 में बताऊंगा। बताओ चीख भी कभी खामोश हो सकती है? कोई चीखे और आवाज ना आए, क्या मीनिंग हुआ इसका? खामोश चीख, चीख भी है और खामोश भी है। कोई चीख रहा है और आवाज नहीं आ रही है, साइलेंट स्क्रीम। ये आप लोगों के पढ़ने की स्टोरी है। है ना? इफ यू हैव a bit of time from your busy schedule then you must go through this। चाहे सिनॉप्सिस पढ़ लेना बट पता चल जाएगा। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। अभी ये बात समझ में आ गया। अब बात इससे आगे बढ़ेगी इनर सेल मास से, ठीक है।